नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और एक बार फिर देश में मोदी सरकार बन गई है, लेकिन इस बार भाजपा जीत से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि सत्ता की चाबी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा को काफी झटका लगा है। बीते चुनाव में अकेले 63 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है, जो काफी हैरानी वाली बात है। वहीं अब इस हार का बदला लेने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है और सपा को कड़ी टक्कर देने के लिए भाजपा ने खास प्लान भी बना लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली भाजपा जल्द ही एक और बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। ये परीक्षा है प्रदेश में खाली होने वाले 16 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की। पार्टी के लिए इस कसौटी से पार पाना भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए, लोकसभा चुनाव का रण समाप्त हो गया है और अब बारी है यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की। जी हाँ, समाजवादी पार्टी अपने 6 बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने में कामयाब हो चुकी है। इस तरह कुल 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए भाजपा को तैयार रहना है। इन 16 में से 11 सीटें सपा के पास हैं, वहीं एनडीए के खेमे में 5 विधायक अब सांसद हैं। इनमें से 4 सांसद भाजपा के ही हैं, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत पार्टी के 4 विधायक अब सांसद हैं। आपको बता दें, यूपी में विधायक बने सांसद कौन है और सांसद बनने के बाद कौन कौन विधायक पद छोड़ेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक, सपा के अवधेश प्रसाद फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, सपा के लालजी वर्मा अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट, सपा के जियाउर रहमान बर्क मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट, भाजपा के अनूप वाल्मीकि प्रधान अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, भाजपा के अतुल गर्ग गाजियाबाद विधानसभा सीट, भाजपा के प्रवीण पटेल फूलपुर विधानसभा सीट, रालोद के चंदन चौहान मीरापुर विधानसभा सीट, निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट, एनडीए के अनूप प्रधान वाल्मीकि अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक, योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद विधान परिषद सदस्य। जाहिर है, लोकसभा चुनाव में लक्ष्य से चूकी भाजपा मुख्य विपक्षी इंडिया गठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग में पूरी तरह उलझ गई है। दूसरी ओर जो नतीजे आए हैं, उससे विपक्षी गठबंधन और विशेषकर यूपी में सपा बेहद उत्साहित दिख रही है। 37 लोकसभा सीट हाथ में आने पर अब 2027 को लेकर सपा पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं भाजपा चुनाव में कहां चूक गई, कहां चूक हुई, इसका पता लगाने में जुटी है और कमियों पर काम कर रही है, ताकि विधानसभा उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार फिर वापसी कर सके। हालांकि अभी उपचुनाव की चुनौती पास है, ऐसे में संगठन से लेकर सरकार तक को इसके लिए तैयार रहना होगा, ताकि समीकरण को साधा जा सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।